हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज की तारीख है 10 अक्टूबर 2023। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का आपका पहला करंट अफेयर का सवाल है, हाल ही में स्पेक्स 2030 पहल किसने शुरू की है। स्पेक्स 2030 पहल किसने शुरू करी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा WHO, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं, स्पेक्स 2030 इसे किसने शुरू किया है, WHO ने, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसकी वर्तमान हेड कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड हैं। अब देखते हैं कि ट्रेकोमा मुक्त देश अभी जो है WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा इराक को। ठीक है, और स्पेक्स एक्स जो 2030 है, इसका क्या तात्पर्य है, ये क्यों शुरू किया गया, इसका संबंध है गुणवत्ता मूलक नेत्र देखभाल से। अर्थात कि जो आंख से देखने में किसी को प्रॉब्लम होती है, उसके सुधार के लिए स्पेक्स 2030 शुरू किया गया है, गुणवत्ता मूलक नेत्र देखभाल के लिए। आंखों की रोशनी को अच्छी तरह कैसे बनाए रखें, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, इसी के लिए जो है स्पेक्स 2030 शुरू किया गया है WHO के द्वारा। और WHO ने अभी हाल ही में ट्रेकोमा मुक्त देश किसे घोषित किया है, तो इराक को घोषित किया है। अब इसके कुछ ऑप्शन जो है, इसके ऑप्शन को देख लेते हैं कि जैसे दिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका क्या नाम है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। और इसमें भारत की रैंक कितनी है, इस रिपोर्ट में ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की रैंक है 127। ठीक है, कितना है, 127। अब सेकेंड ऑप्शन, इसका जो सी वाला ऑप्शन है, इसको देख लेते हैं। सी ऑप्शन WWF, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है ग्लैंड। और इसका लोगो क्या होता है, इसका लोगो होता है पांडा, रेड पांडा। एक ऑप्शन अभी छूट रहा है, ऑप्शन डी, तो इसका हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब होती है, तो स्टूडेंट इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और इसके हेड कौन है, तो चाची नागोजी ओंकाजा इबेला। कौन है इसकी हेड, तो इसकी हेड है नागोजी ओंकाजा इबेला, WTO की हेड है। अब देखते हैं जो WHO द्वारा स्पेस 2030 शुरू किया गया है आंखों के लिए, तो अब हम आंखों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि आंखों की रोशनी के बारे में किसको किस प्रकार की दृष्टि दोष होती है। जैसे है कि आंखें 3 प्रकार की होती हैं, आंखों में प्रॉब्लम 3 प्रकार से हो सकती हैं। ठीक है, पहला है कि निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा है जरा दृष्टि दोष। अब इन सबका संबंध क्या है, तो इन सबका संबंध आपको देखना पड़ेगा। जैसे है निकट दृष्टि दोष में, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को जो है दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और जो दूर दृष्टि दोष होता है, उसमें जो है पास की वस्तु, देखो लिखा गया है दूर लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी। और जरा दृष्टि दोष में ना तो इसमें दूर की दिखाई देगी और ना पास की वस्तु दिखाई देगी। अब इनका जो है अंग्रेजी में इन्हें क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। ठीक है, जो अधिकतर बच्चों में होता है। और इसके लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, निकट में देखिए 3 मात्रा है ना, निकट 3 है ना, तो इसके ये बड़ा है और दूर छोटा है, तो निकट बड़ा है, तो बड़े के साथ अवतल लेंस। और उसी प्रकार इसे क्या, निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, मायोपिया, और दूर दृष्टि को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। ये छोटा है, दूर छोटा है, तो इसके लिए क्या है, उत्तल लेंस। देखिए अवतल लेंस बड़ा है, उत्तल लेंस छोटा है। ये मायोपिया छोटे बच्चों में होता है, हाइपर अधिकतर दादाओं में, मतलब जो काफ़ी उम्र दराज हो जाते हैं उन व्यक्तियों में दूरदृष्टि दोष होता है। और जरा दृष्टि दोष क्या कहते हैं, तो यह जो है उम्र अधिक हो, तो इसमें जो है दोनों प्रकार की दोष हो सकती है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो सकता है। तो जरा दृष्टि दोष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया। इसमें जो है व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस लगता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। आप देखते होंगे कि ये मानो ये आपका चश्मा है, ठीक है, ये चश्मा होता है, इसमें जो है ऐसे करके बना होता है, और ये नीचे वाला इतना मोटा होता है दिखने में ना, कि आप कभी देखोगे तो आपकी आंखें जैसे लगेगी कि परेशान हो जाएंगी ये देखने के लिए इनके चश्मे को, ऐसे ये नीचे वाला, तो इस प्रकार का ये चश्मा होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस।
तो आंखों के बारे में तीन रोग होते हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दृष्टि दोष। याद रखना, लेफ्ट देख लेते हैं, वीडियो बड़ी बन जाएगी। आज नोबेल पुरस्कार जो है समाप्त हो गया, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना के अभी 2 घंटे बाद अवेलेबल करा दूंगा, उसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। तो देखते हैं कि नोबेल में अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया। तो इसका सही जवाब पहले क्या हो जाएगा, क्लाउडिया गोल्डिन, यह एक लेडी हैं। अब देखते हैं कि यह पुरस्कार जो है कौन देता है। अर्थशास्त्र पुरस्कार को क्या बोलते हैं, रिक्स बैंक अवार्ड अवार्ड भी बोलते हैं। इसे अर्थशास्त्र या रिक्स बैंक अवार्ड भी बोला जाता है। जब नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था उस समय में जो है 1901 में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ये बाद में जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया, 1969 में। 1969 में पहला दिया गया था, लेकिन इसका गठन कब किया गया था, तो 1968 में, लेकिन दिया कब गया था, 1969 में। ठीक है, तो इस बार जिसे दिया गया है क्लाउडिया गोल्डन को, इनके लिए ट्रिक है अर्थ गोल्ड, अर्थ गोल है, और ये कहाँ की है, यूएसए की। अर्थ गोल है मतलब अर्थ से हो जाएगा अर्थशास्त्र, गोल से हो जाएगा गोल्डिया, तो यानी क्लाउडिया गोल्डेन। ठीक है, तो यह यूएसए की है। अब देखते हैं कि जब यह शुरू किया गया था अर्थशास्त्र, नोबेल का अर्थशास्त्र 1969 में, तो पहली बार इसे किसे दिया गया था, रेंगर फ्रिक्स को, और दूसरा किसे, उन्हीं के साथ किसे दिया गया था, जैन टिम्बर जैन को। और भारत में किसे दिया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार, तो 1998 में अमर्त्य सेन को। अब देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण अब तक 2023 में नोबेल पुरस्कार दिया गया उसके लिए ट्रिक बता देते हैं। नरगेसी को ईरान में शांति चाहिए, तो नरगेसी को मिला है, यह ईरान की है, और किसके लिए, शांति के लिए। ठीक है, किसके लिए, शांति के लिए। और साहित्य में, और साहित्य में किसे दिया गया, साहित्य में ना फंसे मेरी जान, तो यह दिया गया है जान फांसे को, और साहित्य के लिए। भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ, तो यह फिजिक्स में पियरे फेरे और एनी को दिया गया है, प्रकाश की किरणों के बारे में जानकारी देने के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं मेडिसिन में किसे दिया गया, भूखा काका मेरी विष की दवाई में मिलाकर पी गया, दवाई मतलब हो गया मेडिसिन, इसे किसे दिया गया है, कैटलीन को, ये कहाँ की है, हंगरी, भूखा मतलब हंगरी हो जाएगा, मेरी मतलब अमेरिका मतलब अमेरिका का हो जाएगा, ये बिस्मैन को और कैटलीन को दिया गया है मेडिसिन में। ठीक है, अब देख लेते हैं कि रसायन में किसे दिया गया है, ये तीन लोगों को दिया गया, एलेक्सी मोंगी और लाई को, यह जो है रसायन में किसकी खोज के लिए, एक टन क्वांटम के लिए दिया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं, आपको सब दिखा दिया, इसका भी हम 2 घंटे बाद आपको छोटी सी वीडियो बना के 5 मिनट की दे देंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखते हैं कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किन राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। अभी जो हाल ही में चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में घोषणा करी है, वो 5 राज्य कौन से हैं, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उपर्युक्त में से सभी, ये 5 राज्य में चुनाव की घोषणा करी है। और यह चुनाव कब से शुरू होगा, तो 7 नवंबर से 30 नवंबर तक यहाँ पे चुनाव होगा 5 राज्यों में। और इसका रिजल्ट कब आएगा, तो देख रहे हो 2 दिन बाद मतलब 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब घोषणा क्या किया गया है, घोषणा किसके द्वारा किया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब इसके बारे में देख लेते हैं, जैसे है कि इसका उल्लेख किस में है, इलेक्शन कमीशन का उल्लेख है आर्टिकल 324 से 329 तक, 324 से 329 तक। और इसकी इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, वोटर्स डे। ठीक है, और इसमें जो है 3 की संरचना होती है, 1 मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे सुकुमार सेन। कौन थे, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे सुकुमार सेन, इसका सही जवाब हो जाएगा। और भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो रमा देवी। कैसे याद करेंगे, जैसे सुकुमार, सुकुमार जैसे सुकुमार का रा पे पहुंचेंगे, वहां से इसको तुरंत जोड़ देना, रमा देवी, सुकुमार रमा देवी। ठीक है, जैसे सुकुमार खत्म होगा वैसे रमा देवी शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, रमा देवी। और वर्तमान में भारत के कौन मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो राजीव कुमार वर्तमान में है। अब देख लेते हैं कि वोट डालने की उम्र पहले कितनी थी, तो 21 वर्ष थी। इसको 18 वर्ष कब किया गया था, तो 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1989 में। ठीक है, 1989 में जो है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक ऐप अभी शुरू किया गया है, सी विजिल ऐप। कौन सा ऐप, सी विजिल ऐप, इसे शुरू किया गया है। अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी होती है तो आपको जो है 100 मिनट के अंदर जो है इस चुनाव के जो नतीजों में या कुछ
गड़बड़ हो रहा है तो उसको निपटाने में सिर्फ आपको 10 मिनट के अंदर, आप 100 मिनट में आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो अभी इन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है उनमें विधानसभा कितनी सीटें हैं। तो राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है, मध्य प्रदेश में कितनी है, तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट है, और छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है, तेलंगाना में 119 विधानसभा सीट है, और मिजोरम में 40 विधानसभा सीट, मिजोरम में 40 विधानसभा सीट। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ प्रारंभ किया है। चक्रवात अभ्यास है किस प्रकार का, तो यह है मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास। ठीक है, तो यह कहाँ शुरू किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा में। और किस सेना के द्वारा शुरू किया गया, तो यह नेवी के द्वारा शुरू किया गया अभ्यास है। तो चक्रवात कैसा अभ्यास है, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। अब देखते हैं कि गोवा की स्थापना कब हुई थी, तो गोवा की स्थापना हुई थी 1987 में, इसकी राजधानी है पणजी और यहाँ के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत जी। ठीक है, अब चक्रवात का सवाल है कि चक्रवात के केंद्र में कैसा दाब होता है, निम्न वायु दाब होता है कि उच्च वायु दाब, तो ये होता है निम्न वायु दाब, चक्रवात में निम्न वायु दाब होता है। और ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या बोलते हैं, तो बिली बिलीज बोलते हैं। और कैरिबियन सागर यानी अटलांटिक महासागर के आसपास जो क्षेत्र है वहां पे जो है चक्रवात को हरिकेन बोलते हैं। अभी हाल ही में एक चक्रवात आया था भारत में, बिपरजॉय जो है, इसका नामकरण किसने करा था, तो इस बिपरजॉय नाम किसने दिया था, तो यह दिया था बांग्लादेश ने। और यह कहाँ आया था, तो अरब सागर में आया था, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। भारत के बाहर यह दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और यह कहाँ शुरू किया गया, न्यू जर्सी अमेरिका में, न्यू जर्सी अमेरिका में यह भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। और यह किस भगवान को डेडिकेटेड है, तो यह है स्वामी नारायण मंदिर, स्वामी नारायण जी को। ठीक है, तो आप पूछेंगे कि पहला मंदिर कौन है जो भारत के बाहर सबसे बड़ा है, तो यह है अंकोर वाट का मंदिर, यह भारत के बाहर सबसे बड़ा अंकोर वाट का मंदिर है, और यह कहाँ है, कंबोडिया में। और यह किस भगवान को डेडिकेटेड है, तो यह भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। और यह किस वंश के जो है राजा ने बनवाया था, तो यह सूर्य सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था, जो कि खमेर साम्राज्य से संबंधित थे, देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह किस राज्य से संबंधित है, खमेर राज्य से। और इसके बाद कंबोडिया की राजधानी कौन सी है, तो कंबोडिया की राजधानी है नोमपे है। और यहाँ पे एक झील है जिसका क्या नाम है, टोनले सेप झील, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछा गया है, क्या नाम है, टोनले सेप झील। और इसके बाद जो ये न्यू जर्सी में अमेरिका में सेकंड हिंदू सबसे बड़ा मंदिर खोला गया है, तो अब उसके बारे में एक क्वेश्चन है कि हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पेश करने वाला यूएसए का कौन सा प्रांत था, कि मुझे हिंदुओं से डर लगता है इसलिए वो हिंदू फोबिया बिल पेश किया था, तो वह प्रांत है यूएसए का जॉर्जिया प्रांत। ठीक है, कौन सा प्रांत है, जॉर्जिया प्रांत है। प्रश्न 6 है कि हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला काजू के लिए, तो कौन सा हो जाएगा, गोवा वाले बीच पे। ठीक है, गोवा वाले बीच पे काजू खाया जाता है, तो इसलिए काजू का कहाँ हो जाएगा, गोवा में। तो जीआई टैग है 3 राज्यों के प्रोडक्ट को जो है जीआई टैग दिया गया, उड़ीसा के काजू को दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद सॉरी गोवा के काजू को दिया गया है, उड़ीसा की जो मिठाई है उसका क्या नाम है, रसबली मिठाई। ठीक है, यह जलेबी की तरह ऐठी वैठी होती है, तो इसका यह है रसबली मिठाई। और अरुणाचल प्रदेश का चावल को जीआई टैग दिया गया है जिसका नाम है खामती, कौन सा चावल है, खामती। और यहाँ का एक वस्त्र है तांगसा, तांगसा वस्त्र को भी जीआई टैग दिया गया है। अभी जो हाल ही में कुछ राज्यों के प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया उसको देख लेते हैं कि बसोहली पेंट, बसोहली पश्मीना क्राफ्ट, इसे जो जम्मू कश्मीर का है, इसे जो है जीआई टैग दिया गया। चर्पी पनीर, चर्पी पनीर जो अरुणाचल प्रदेश का है उसे जीआई टैग दिया गया। चर्पी पनीर जो है किसके दूध से बनता है, तो जो यहाँ के याक होते हैं तो उनके दूध से यह चर्पी पनीर बनाया जाता है। दार्जिलिंग की चाय को जो है, यह दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया। दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। यह भारत का इसे पहला जीआई टैग दिया गया था 2004 में। अब जीआई टैग आया है तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं कि 1999 में यह एक्ट आया जीआई टैग वाला, 1999 में। ठीक है, और यह कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, तो यह 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, यह 10 वर्ष के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और कौन देते हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह दिया जाता है। यह एक्ट आया था 1999 में, लेकिन पारित कब हुआ, 2003 में। और इसके बाद 2004 में सबसे पहले किस प्रोडक्ट को दिया गया, तो दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहला जीआई टैग दिया गया। ठीक है, और कम्बम अंगूर ये कहाँ का है, तो कम्बम अंगूर है तमिलनाडु का। ठीक है, इसे जो है जीआई टैग दिया गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
नेक्स्ट प्रश्न है कि 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोच्चि में। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देते हैं कि कृषि विज्ञान कांग्रेस, यह जो है कृषि विज्ञान कांग्रेस किस क्रम का की बार आयोजन है? तो 16वीं क्रम का है। इसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच 4 दिन के लिए होगा। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला। और ये कौन है? तो ये है पशुपालन मंत्री जो है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा जो है 16वें क्रम के कृषि विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत की गई है। और क्यों की गई है? कि कृषि में नवाचार लाना, जैसे कि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, जैसे कि अनाज और मशीन, ये सब लाके जो है खेतों में उनके कृषियों और किसानों के लिए अच्छे अच्छे नवाचार लाना, ताकि उनके प्रोडक्ट में बढ़ोतरी हो सके। अब देखते हैं कि जो है वर्ल्ड रोड कांग्रेस, इसका जो है कहाँ पे आयोजन किया गया? तो वर्ल्ड रोड कांग्रेस का आयोजन प्राग में किया गया है। या किसकी राजधानी है? तो चेक रिपब्लिक की राजधानी है INS। अब कोच्चि है, तो कोच्चि से क्वेश्चन आपको याद दिला दें कि INS यह क्या है? स्वदेशी विमानवाहक पोत है। यह लॉन्च कब किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था 2 सितंबर को। और कहाँ से? कोच्चि से। ठीक है, प्रश्न 8 है कि हाल ही में मैरोग सुरंग कहाँ प्रारंभ किया गया? मैरोग सुरंग इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 395 मीटर और यह 2 लेन है। एक लेन से गाड़ी जाएगी और एक लेन से आएगी। और यह किस हाईवे पे है? तो यह है नेशनल हाईवे 44 पे। 44 का पुराना नाम क्या था? 7 नेशनल हाईवे इसका पुराना नाम था। और जिला कौन सा है? रामबन जिला में मैरोग सुरंग शुरू किया गया है, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण 2 सुरंग और देख लेते हैं कि सिकुला सुरंग जो है किसे जोड़ती है? तो यह हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है, सिकुला सुरंग। और रोहतास सुरंग, इसे अटल सुरंग भी कहते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर यह लंबा है। रोहतास सुरंग या अटल सुरंग दोनों एक ही है। अब देख लेते हैं प्रश्न 9 क्या है। हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? राज्य का अपने जलीय जीव किसने घोषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन को अपना राजकीय जीव घोषित किया है। अब व्याख्या देख लेते हैं कि गंगा डॉल्फिन या स्वच्छ जल में रहती है, और यूपी सरकार ने इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। और गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटनिस्टा गंगेटिका। क्या नाम है? प्लेटनिस्टा गंगेटिका। और इसका जो है उपनाम क्या होता है? जैसे किसी सब हर किसी का एक उपनाम होता है, तो इसका उपनाम है सुसु। वो वाला सुसु नहीं, टॉयलेट वाला, ये इसका नाम है। इसकी जो बेगम है इसको प्यार से सुसु बुलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यह पाया कहाँ जाता है? तो यह पाया जाता है भारत, नेपाल, बांग्लादेश में। ठीक, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने इसे अपना जलीय जीव घोषित किया है। अब इसके बारे में देखते हैं कि 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह है गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन नहीं, ये गंगा डॉल्फिन है इसका नाम। और 5 अक्टूबर को इसलिए राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। यह अंधी होती हैं। तो आप पूछेंगे कि ये स्विमिंग कैसे करती हैं? तो ये जो है अंधी होती हैं, ये स्विमिंग जो है परासर्व ध्वनियों के माध्यम से करती हैं। ये जो है एक प्रकार की परासर्व ध्वनियाँ निकालती हैं। अगर ध्वनियाँ किसी पत्थर से या किसी चीज़ से टकरा के वापस आ जाती हैं, तो उनको समझ लग जाता है कि आगे अवरोधक है, इसलिए वो अपना रास्ता बदल लेती हैं। ठीक है, तो ये अंधी होती हैं, परासर्व ध्वनियों के माध्यम से यह तैरती हैं। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के संबंध किससे है? अब देखते हैं कि समक्का और सरक्का, यह एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है। कैसा विद्यालय? जनजातीय विश्वविद्यालय है। और यह जो है कहाँ पे खोला गया है? तो यह तेलंगाना में खोला गया है। ठीक है, तो समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का संबंध किससे? तेलंगाना से है। और यहाँ पे जो है किसके लिए खोला गया है? तो जनजातीय मतलब हो जाएगा, आपको वैसे ही समझ आ गया होगा कि यह आदिवासियों के लिए यह खोला गया है। इसमें जो है 890 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पारित किया गया है। कितना? 890 करोड़ का प्रस्ताव पारित किया गया है। अब देख लेते हैं कि समक्का सरक्का इसका क्या मतलब है। तो समक्का सरक्का इसे जो है मेदराम यात्रा फेस्टिवल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? मेदराम यात्रा फेस्टिवल भी कहा जाता है समक्का और सरक्का को। यह भारत का सेकेंड मेला होता है। यह भारत का सबसे बड़ा दूसरा मेला यहाँ पे लगता है। किस नाम से? समक्का और सरक्का से। तो आप पूछेंगे पहला कौन सा होता है? तो पहला होता है कुंभ मेला। यह भारत का सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेला। उसके बाद जो है दूसरा मेला कौन सा होता है? मेदराम यात्रा या समक्का सरक्का मेला। और यह कितने दिन चलता है? तो यह 4 दिन चलता है।
ठीक है, 4 दिन चलता है। और कब ये मेला लगता है, तो यह फरवरी में लगता है, पूर्णिमा को मनाया जाता है, फरवरी माह के पूर्णिमा को यह फेस्टिवल मनाया जाता है, और यह आदिवासियों का फेस्टिवल होता है। ठीक है, तो इसी के नाम पे जो है समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय खोला गया है तेलंगाना में, आदिवासियों के शिक्षा सुधार के लिए, उनको हाई एजुकेशन क्वालिटी का शिक्षा देना, और उनको जो है हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, जब पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे, तो इसलिए यह विश्वविद्यालय खोला गया है, और इसके लिए 890 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। तो स्टूडेंट, अभी हम आपको कुछ देर बाद जो है नोबेल पुरस्कार पे वीडियो बना के दे देंगे, और इसके बाद आप अगर कमेंट करते हैं तो हम आपका नेक्स्ट डे आपका नाम जो है अपनी कॉपी पे लिख के आपको एक प्यारा सा लाइक देंगे। तो आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत, कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय।